नागपुर जोन के नवागत एडीजी दावा शेरपा ने संभाला कार्यभार, कहा अपराधियों पर लगाम लगाना होगी प्राथमिकता। तबादले के बाद आईजी मोहित अग्रवाल को पुलिस कर्मियों ने दी भावभीनी विदाई। निवर्तमान आईजी ने कहा, गोरखपुर में मिले प्यार और स्नेह को भुला नहीं पाऊंगा। अवैध असलाह और लूट के रुपये के साथ चिलवाताल पुलिस ने एक लुटेरे को किया गिरफ्तार, सीओ कैंपियरगंज ने किया खुलासा। जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में 6 फरवरी को कैंपियरगंज में आयोजित होगा जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक मनोज वर्मा के गोरखपुर आगमन पर बजरंगियों ने पैडलेगंज चौराहे पर किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, भारत में तिरंगा यात्रा के लिए किसी के परमिशन की नहीं है आवश्यकता। सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में मातृ पितृ सम्मेलन का हुआ आयोजन। अतिथियों ने किया चिंतन प्रवाह और समाचार संग्रह पुस्तक का किया गया विमोचन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा 14 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पूर्वी आर्ट एकेडमी और कुटुंब ग्लोबल द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी का हुआ समापन, कुलपति ने की कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चल रहे स्वयं सिद्ध 2018 के तहत सोमवार को आयोजित हुआ बैडमिंटन और चेस प्रतियोगिता। त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर गोरखपुर जिले में 5 मार्च तक धारा 144 लागू। जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने अपर जिलाधिकारी को प्रभारी अधिकारी गेहूं खरीद किया नामित। मदरसों का पंजीकरण कराने की समय सीमा बढ़ी, अब 10 फरवरी तक मान्यता प्राप्त मदरसे करा सकते हैं पंजीकरण। सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने दिखाया अपना हुनर और सपाइयों ने कैंडल जलाकर सीमा पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले में भारत के शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि।